नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर न्यूज़। मैं अमन, सहयोगी अभी के साथ। आज हम आ चुके हैं शनि देव जी के मंदिर में, जो कि मुजफ्फरपुर में बहुत ही विख्यात है, जो कि हमारे मुजफ्फरपुर के गुदरी में स्थित है। मान्यता यह है कि यहाँ पे जो भी पूजा करने आते हैं, उनका काफ़ी मनोकामनाएँ पूरी हुई हैं। तो आइए थोड़ा बात करते हैं शनि देव जी के बारे में। यूँ तो शनि देव को सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, पर शनि देव के प्रकोप से कोई नहीं बच पाया है। माना जाता है कि देवी देवताओं तो छोड़िए, महादेव जो कि देवों के देव के नाम से विख्यात है, उनको भी शनि देव के प्रकोप के कारण जंगल जंगल बैल बन के भटकना पड़ा। वहीं दावन जो दशानंद के नाम से विख्यात थे उनको, वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो शनि ग्रह सैटर्न जिसका डायमीटर 1,20,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी ग्रेविटेशनल पावर, चुंबकीय क्षमता पृथ्वी से 95 गुना अधिक है, जो कि शनि ग्रह का उपग्रह भी माना जाता है, शनि ग्रह का ग्रह माना जाता है। पर इनकी प्रकोप किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाए तो बेहद ही दुख और असामान्य स्थिति पैदा कर देती है। तो चलिए, दुखों के निवारण के लिए और साथ ही साथ इनसे कैसे कष्ट दूर किया जाए, इससे मंदिर के महंत एवं भक्तों से बात करते हैं। तो चलिए आते हैं पुरानी कुदरी स्थित मुख्य, यहाँ के मुख्य महंत जी से जानने शनि देव के बारे में। तो महंत जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है मुरारी शर्मा और हम यहाँ के उत्तराधिकारी हैं। तो हमारे पिताजी, दादाजी और सभी थे और हमारे पिताजी हमको यहाँ सौंपते गए हैं, हमको उत्तराधिकारी हैं। पति जी, जैसा कि सब यहाँ बताते हैं कि शनिदेव से यहाँ जो भी कुछ मांगा जाता है तो उनके मनोकामना पूरी होती है, तो मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि शनिदेव जी का मुख्य नाम ये किन नाम से विख्यात थे अपने दरबार में? ये इनका मुख्य नाम है शनिदेव, क्योंकि ये धीरे धीरे चलते हैं, सने सने चलते हैं, इसलिए इनका नाम शनिदेव। और ये छाया पुत्र, इनकी माता का नाम छाया है और दूसरी माता का नाम संध्या देवी, समझे, और सूर्य पुत्र। और भगवान शनिदेव कर्म के, मतलब कर्म के। पंडित जी, शनिदेव किन राशियों के स्वामी हैं, ये बताइए? राशि मकर और कुंभ के स्वामी है। तो अगर ये मकर और कुंभ के स्वामी है तो उन पे इनका क्या प्रभाव और क्या क्या कार्य शैली रहता है? वो तो देखिए, वो तो इनके राशि के ऊपर है कि जब ये इनका चाल जैसा रहेगा, इनका नौ वाहन है और जब जब जैसे जैसे वाहन पर जाते हैं वैसा वैसा उनको है, तो मतलब कि क्या कहते हैं, फल प्रदान करते हैं, समझे। हम आपको बताते हैं, एक मिनट, नौ वाहन है नाथ तुम्हारे गजर्भ अश्व गज प्यारे, नौ वाहन है नाथ तुम्हारे गजर्भ अश्व और गज प्यारे, मेष सिंह जंबुक मगमाना, काग मयूर हंस बचाना, गजर्भ टड़ी जब तुम आओ, मान भंग उसका करवाओ, चढ़ घोड़े तुम जब आओ, उस नर को धन लाभ कराओ, छाती के वाहन सुख भारी, श्रव सिद्धि नर को रही जारी, जो मेढा के वाहन गाजो, रोग मनुष्य के तन में साजो, जम्बुक वाहन चढ़े पधारो, तो नर से हो युद्ध करारो, आओ सिंह चढ़े जही ऊपर, दुश्मन नर का रहे न भूपर, जिसको काग सवारी घेरो उसके आगे काल मुख फेरो, जब काग के ऊपर आएंगे तो उस व्यक्ति के आगे पूरा संसार अंधकारमय हो जाएगा, मोर चढ़े राशि और चीनी, जब मोर पर आएंगे तो उस व्यक्ति को है सो पूरा है सो चल संपत्ति इतना देंगे कि बस है सो वो राजा बन जाएगा, और हंस सवारी पर जब आएंगे तो उस नर को आनंद दिखाते हैं, तो आनंद ही आनंद इसके जीवन में रहेगा। यही इनका नौ वाहन के ऊपर, मतलब कि नौ फल प्रदान करते हैं और ये इनकी लीला। पंडित जी, अब आप ये बताइए कि शनिदेव का कार्य क्या है?
शनिदेव का कार्य है, कार्य इनका यही है कि ये कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने इनको, ये शिव के शिष्य हैं और हनुमान जी के मित्र हैं, गुरु भाई हैं, और इनका काम है कि कर्म जो जैसा व्यक्ति करता है उसके अनुसार इनका फल प्रदान करते हैं। वैसे कोई पाप किया, हत्या, डकैती, लूट मार, छीन छोड़ और जैसा भी दुनिया में बुरा कर्म है उसके अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उनको फल प्रदान करते हैं। और अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको ऐसो राजा रंग, राजा से रंग से ऐसो राजा बना देते हैं, समझे। और आपको मतलब कि ज्ञान विज्ञान और जो भी सब इन्हीं के अधीन है और ये प्रकृति इनके अधीन चलती है, प्रकृति इनके अधीन चलती है। ये जैसा चाहेंगे वहाँ बारिश होगी तो नहीं होगी, जैसा या मतलब कि आंधी तूफान आना है, कोई प्रलय आना है, तो ये जब चाहेंगे तभी होगा, क्योंकि ये कर्म के दाता है। और संसार में क्या होना है नहीं होना है यही ऐसा निश्चित करते हैं प्रभु, भोले बाबा, दुर्गा मैया, कोई कुछ नहीं करती है। वो कहते हैं कि ये कर्म के दाता है, भाग्य भी दाता है, इसलिए जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल ये शनिदेव उनको प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरंपार है। हाँ, महाभारत यही करवाए हैं, रावण का रावण को यही मरवाए हैं, और हिरण्यकश्यप को यही मरवाए हैं, कंस को भी यही मरवाए हैं। आज महाभारत यानी सारा दुनिया में जो भी घटनाक्रम घटता है, घटना दुर्घटना और अच्छा और बुरा, स्वास्थ्य खराब और धन का अगर आपको लाभ होना है तो ये धन भी प्रदान करते हैं। मगर कब प्रदान करते हैं? जब आपका पापों का मतलब कि नाश हो जाएगा तभी लक्ष्मी जी को आगे कहते हैं। लक्ष्मी जी जब तक आगे नहीं बढ़ती है जब तक इनका मतलब कि इनके तरफ से इशारा नहीं मिलता है, लक्ष्मी जी कब आगे बढ़ती है तो सभी देव जब कहते हैं कि इनका पापों का है, तो सारा इनको कष्ट दे दिया गया है और ये नेट एंड क्रीम है। और भगवान शनिदेव इनको, शनिदेव भगवान ऐसो क्या कहते हैं, सोना बना देते हैं इंसान को। मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी रोड स्थित शनि मंदिर में हर शनिवार भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसे देवता है जिसके क्रोध से इंसान तो क्या देवता भी कांपते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस पर भी शनिदेव की कृपा होती है उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। सनातन धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने और सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है। मान्यताओं के अनुसार शनिदेव अति क्रोधी स्वभाव के हैं। कहते हैं कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं वो रंग से राजा हो जाता है, और जिस पर शनिदेव का क्रोध बरसता है उन्हें अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिदेव कर्म का फल देते हैं। न्यायाधीश शनिदेव गलत और बेईमान लोगों को पीड़ित करते हैं तो ईमानदार परिश्रमी लोगों को पुरस्कृत करते हैं। शनि को सीमा ग्रह कहा जाता है क्योंकि जहां सूर्य का प्रभाव खत्म होता है वहीं से शनि का प्रभाव शुरू होता है। पहुंचे देखिए हमारे संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।